ब्लॉग्स के तातिया, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित है। अभी मैं किचन में हूँ इस वक्त और शाम का वक्त हो गया है और मैं सब कुछ क्लीन कर, किचन क्लीनिंग पूरा हो गया मेरा, बर्तन भी मैंने ढो डाले। अब मैं बनाने जा रही हूँ शाम के लिए डिनर। और हम शाम में डेली चपाती खाते हैं, इसलिए अब मैं चपाती बनाने जाती हूँ। आटा गूंदना है और फिर मुझे सब्जी भी बनाना है। सब्जी में मैं सोच रही हूँ कि अंडे का खारस बना दूँ, इसलिए मैं अंडे का खारस बनाने के लिए पूरे प्रिपेयर करना है मुझे। बस कुछ भी नहीं, ऑनियंस थोड़े बहुत हम ऑनियंस से काट के रख लेंगे। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। देख सकते हैं पहले मैंने सब्ज़ी पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सब्ज़ी बनने में और अंडे के खारस के लिए तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑनियंस को कुक करना पड़ता है, फिर उसके बाद अंडे ऐड करना बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने पहले अंडे का करी पकाना शुरू कर दिया था, अंडे का खारस। इसके लिए बस कुछ भी नहीं, ऑनियंस को चॉप करना है और फिर ग्रीन चिल्ली ऐड करके उसे पकाने के लिए रख दिया। फिर उसमें मैंने साल्ट, हल्दी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर सब कुछ डाल के थोड़ी देर के लिए पका लिया। फिर प्याज थोड़ा कुक होने के बाद उसमें पानी ऐड करके गला लेंगे प्याज को। अगर जब पानी सूखने लग जाता है तो उसमें अंडे फोड़ के डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने अंडे डाल दिया है इसमें। अंडे डालने के बाद ऐसा लगता है। फिर उसे हम ढककर पका लेंगे। बस इसके बाद अंडे डालने के बाद बस हमें 10 मिनट्स में हमें करी पूरा हो जाएगा बनकर। आप देख सकते हैं मैं करी प्रिपरेशन के साथ साथ रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है। मैं क्यों इतनी जल्दी कर रही हूँ कि आयन बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं और मैं बहुत कम समय देते हैं किचन में
काम करने के लिए, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। ज़्यादा समय आयन मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे साथ ही खेलते हैं, इसलिए मुझे पूरे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। अपनी दीदी सुहाना के साथ भी खेलते लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खेलते, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम पूरे कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा करी भी बन चुका है, अंडे का खारस भी बन चुका है, और मैं उसे स्विच ऑफ कर दिया, और एक तरफ से मैं अपने रोटियां भी सेक रही हूँ। इसके बाद बस कुछ नहीं, खाना खा लेंगे और फिर डिशेस वॉश करके रख दूँगी, फिर उसके बाद हम सोने चले जाएंगे। और आप पहले मुझे आयान को सुलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं आयान सोने में, क्योंकि दिन में एक बार वो सो जाते हैं ना, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है आयान को सुलाने में। किचन क्लीनिंग भी पूरी हो गई, अब मैं सोने जा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।